खबर 9 न्यूज को सब्सक्राइब करें व बेल आइकन को दबाकर हमारी न्यूज सबसे पहले प्राप्त करें। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 9 और मैं हूं आपके साथ प्रिया। पुलिस अधीक्षक आलोक प्रियदर्शी के द्वारा जनपद में सभी थाना क्षेत्र स्तरों पर पोस्टर टीम का गठन किया गया है। ये सभी टीमें सुबह 4 बजे से 6 बजे तक अपने अपने क्षेत्रों में पड़ने सभी धार्मिक स्थलों की दीवारों को चेक करेगी और भी किसी तरह का विवादित पोस्टर या कुछ भी सामग्री मिलने पर उसको नष्ट करेगी और अपने आला अधिकारी को सूचना देगी, जिससे कि जनपद में शांति व्यवस्था कायम रह सके। पुलिस की बहुत पुरानी परंपरा है, लेकिन उसको हमने अपने जनपद में अभी इस्तेमाल करना शुरू किया है। जो अभी मौजूदा माहौल है उस पर निगाह रखने के लिए ऐसे माहौल का फायदा कई बार अराजकता को उठाते हैं, और सुबह सुबह जब मंदिरों और मस्जिदों में कोई नहीं होता है तो कोई आपत्तिजनक पोस्टर वहाँ चिपका दिया जाता है या कोई इस तरह की बात कर दी जाती है ताकि सांप्रदायिक सिचुएशन वल्नरेबल हो। इस बात को मद्देनजर रखते हुए हमने अपने जनपद में पोस्टर पार्टीज का सिस्टम शुरू किया है और प्रतिदिन हर थाने से एक पोस्टर पार्टी निकलती है जो सुबह सुबह 4 बजे से लेकर के सुबह 6 साढ़े 6 बजे तक सारे मंदिरों और मस्जिदों पर उनकी लाती है, उनको चेक करती है और ये इंश्योर करती है कि वहाँ किसी तरह की कोई आपत्तिजनक वस्तु नहीं है और कोई वहाँ किसी तरह कोई समस्या नहीं है, न ही कोई इस तरह का कोई आपत्तिजनक पोस्टर वहाँ चिपका है। इस एक्सरसाइज से सुबह मंदिर और मस्जिद सुरक्षित रहते हैं और फिर उस बच्चे 6 बजे के बाद लोग आना जाना शुरू हो जाता है, फिर वहाँ कोई समस्या नहीं होती। यूपी के हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। आज की खबरों में बस इतना ही, बने रहिए हमारे साथ खबर 9 में।